क्या कहेंगे आप? आप तो उधर गए थे। मैं एक्चुअली 2 महीने पहले अमृतसर गया था और धामी साहब को भी मिला था और दूसरा रणवीर सिंह जी जो है उनके साथ, उन दोनों को ही मिला था। लेटर भी दिया था उनको। उस टाइम क्या बोले थे उनके? उन्होंने लेटर लेके हमको शुभेच्छा भी दिया और जल्दी से जल्दी आपको पॉजिटिव उसका मैसेज देंगे ऐसा उन्होंने कहा था। मतलब अनुमति दी थी कि नहीं? उन्होंने हमको यह किया था कि आगे बढ़ो, हम आपको इन राइटिंग में दे देंगे ऐसा। इन राइटिंग नहीं दिया था? अभी तक नहीं दिया। उसके कारण हमने 40 जो गुरुद्वारा है पुना के उनको सबको मिला था उसके पहले, और उनके कहने से हम उधर ही गए थे और उनको मिलके ये सब लेटर दे के फिजिकली लेके देके उन्होंने फिजिकली हमको सब गुरुद्वारा जो है गोल्डन टेम्पल उनके भी शानिशा करने के लिए भेजा था कि देखो कैसा है क्या है वो सब। कुछ गलत नहीं होना चाहिए, भावना को ठेस नहीं पहुंचना। उधर ये जो बोल रहे लोग जो आज तक आप देखते 40 गुरुद्वारा पुना का है वो रोज आके इधर हमको अलग अलग उसके सजेशन वही मदद कर रहे हैं। वो मदद कर रहे, वो इसलिए मदद कर रहे कि उधर कोई भी गलत, क्योंकि आप देखे सिख समाज और हिंदू समाज में फर्क है। हिंदू समाज में पूजा होती है मूर्ति की, सिख समाज में पूजा नहीं होती, ग्रंथ साहिबा रहते और उसका वो ध्यान करते, ऐसा दो अलग अलग है। और वो जो ध्यान करते और किधर ही कुछ बनाना है तो उनको वहां से परमिशन लेना पड़ता है कि, और वो जो शिस्त है जो नियम है तो उनका कहना है कि हमने परमिशन नहीं दी, फिर भी आप ये बना रहे रिप्लिका। नहीं नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये गोल्डन टेम्पल नहीं बना रहे, हम गुरुद्वारा बना रहे, गुरुद्वारा का रिप्लिका बना रहे। आप देखे तो वो गेट देखते तो गेट राजस्थानी और इसके गोल्डन कलर में ही बना है। कलर तो गोल्डन है, उनका डिजाइन भी जस्ट लाइक सिमिलरी है। और उनका समझो मेरे को किसी का मैसेज देना है तो ये सिख समाज का जो मैसेज है कि पूजा अर्चा कैसा करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो वो मैसेज हर एक हिंदू को जाना चाहिए। किधर भी गलती से भी कोई जैसे देखते हैं हम हिंदू में किधर मतलब आप बना के रहेंगे, मतलब देखा बनेगा। हाँ ये देखा हुआ है, ये देखा हुआ है, ये गोल्डन टेम्पल नहीं है, ये गुरुद्वारा जैसा बनाया है और उसका मैसेज अच्छा जाना चाहिए। उधर कौन सा ही ऐसा गलत काम, वो कल आगे जाके कोर्ट में गए रुकवा दे तो क्या करेंगे? हाँ हम भी उधर ज्यादा खर्चा हुआ है। देखिए हमने भक्तों के लिए किया है, अच्छा मैसेज देने के लिए किया है। छत्रपति राजाराम मंदिर 133 साल पुराना है और कौन सा ही गलत मैसेज नहीं देते। ये श्रीमंत बाबू साहेब रंगारी गणपति गोपाल जाधव एक फ्रीडम फाइटर ने एक गणपति मंडल स्थापन किया है, तो हम भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे, नहीं आज तक किया है कि जिससे किसको ठेस पहुंचे। जिन्होंने आपत्ति जताई है मतलब शिरोमणि कमेटी ने, जिनको आप मिलके भी आए, वो बोलते हैं अभी बनाओ मत, तो आप उनके लिए क्या दरखास्त रखेंगे? क्योंकि इतना बड़ा खर्चा हुआ है बना, उनको अभी तक हमारे पास कुछ आया नहीं। हम उनको वही रिक्वेस्ट करेंगे, उनको याद भी दिलाएंगे कि हम आपके पास फिजिकली आके गए थे, 2 दिन रुक के भी गए थे, आपको सब समझाया था, आपने हमको ऑलवेज बेस्ट बोला था। फिर भी हम उस हिसाब से जो आपके ठेस पहुंचाने वाले ऐसे कोई गलत चीज यहाँ नहीं कर रहे, वो कि तो आपका जो भी ऑब्जर्वर है वो इधर भेज दो और उनके हिसाब से जो सही होना चाहिए सबसे ही सही होगा। यहाँ गणपति आज अंदर कोई नहीं बैठेगा, गणपति के लिए अलग भवन बनाया है, जो उनके यहाँ में पूजा मूर्ति पूजा नहीं रहती उनका भी ध्यान हमने लिया है। दूसरा उधर गोल्डन टेम्पल नीचे, ऊपर से नीचे आना पड़ता है, ये नीचे से ऊपर है, इसलिए उसका और इसका सिमिलरिटी का कोई बांधव नहीं। ये आप देखेंगे तो ये सब छेगांव के पिलर है, ये कोई गोल्डन टेम्पल के पिलर नहीं, इसलिए ये एक डेकोरेटेड भाग है, मतलब बन के रहेगा। हाँ जो भी आप, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे और हम बनाएंगे, बन के रहेगा, उनको चैलेंज करने वाले नहीं। आप गलत वो मैसेज नहीं, हम उल्टा ऐसा है कि उनका जो रिप्लिका जैसा है, उनका जो अच्छा मैसेज है वो हर एक हिंदू को जाना चाहिए कि पूजा अर्चा या किसी देवस्थान कैसा होना चाहिए, तो वो हम मैसेज देना चाहते। और उसके मतलब लिए सीधा सीधा आप ये बता सकते हैं कि गोल्डन टेम्पल नहीं बना रहे, गुरुद्वारा बना रहे, गुरुद्वारा बना रहे, गोल्डन कलर में, गोल्डन कलर में।